इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से भजनों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सद्गुरुदेव भगवान के आने पर महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में श्री कागभूषण जी महाराज जब उठकर प्रणाम नहीं किए तो भगवान शिव को आवेश आ गया। भगवान शिव ने गुरुदेव भगवान का अपराध करने के कारण से भूषण जी को 10,000 वर्ष तक सर्प योनि में जाने के लिए शापित कर दिया। गुरुदेव भगवान श्री वैदिक मुनि जी जब भगवान शिव का यह दारुण शाप सुने तो हाहाकार करके भगवान महाकालेश्वर के चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना करने लगे। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, ये तो बालक है, बालक का अपराध अपराध नहीं होता, अबोधता में ऐसा कर गए, बस तो आप कृपा करें और इनके इस अपराध को क्षमा करें, इनके इस अपराध को क्षमा करें, यहाँ ये पंक्तियाँ देखिए, गुरुदेव भगवान क्या व्यवहार करते हैं। करि दंडवत सप्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जो करि दंडवत सप्रेम द्विज सन्मुख कर जो विनय करत गद गद स्वर समुझ घोर गति गज स्वर समुझि घोर गति नमामि शमीशान निर भजे हम सीता
Shankar
शरणं सर्वनाथं भजामि प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं प्रचण्डं अखण्डं मजं अनुकोटि प्रकाशम् अखण्डं मयम् भानुकोटि प्रकाशम् भावगम्यं भजे भवानि पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणं कल्पान्तकारि तावत् सुखं
इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।